हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका विवाह किस आयु में होगा। ये आपकी हाथ की हथेली पे जो आपकी रेखाएं होती हैं उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपका विवाह किस एज में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हाथ की हथेली है, इसमें अलग अलग रेखाएं होती हैं। जैसे कि जो सबसे नीचे वाली रेखा है ये आपकी लाइफ लाइन होती है, उसके बाद से जो ये जो ऊपर वाली रेखा है, ये वाली ऊपर वाली रेखा, ये होती है हार्ट लाइन, हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा के हर आदमी के हृदय रेखा के ऊपर इस वाली जगह पे दो तीन लाइनें होती हैं। ये दो तीन लाइनें आपके विवाह से रिलेटेड हैं, ये आपको बताती हैं कि आपका विवाह कब होगा। वैसे इसमें तीन चार लाइनें किसी में होती है, किसी में दो होती है, किसी में तीन होती है। जो लाइन बहुत ज़्यादा डार्क हो वो वही लाइन जो है विवाह की लाइन होती है, उसके अलावा सब आपके अफेयर्स के या किसी और के लाइन होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका विवाह किस आयु में होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने बहुत सिंपल सा एक हार्ट लाइन के एक सीधी ले से अपनी छोटी फिंगर तक एक लाइन खींचनी है और इसको दो भागों में डिवाइड करना है, 0, 30 और 60। उसके बाद से जो आपकी सबसे ज़्यादा डार्क लाइन है उसको आपने जो है चेक करना है कि वो कितनी नज़दीक है। अगर वो बिल्कुल इसके पास आती है आपकी हार्ट लाइन के, तो आप समझिए कि आपकी छोटी आयु में विवाह हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल मिडिल में आती है, जो आपकी बिल्कुल डार्क लाइन है, आपने सिर्फ वो देखना जो डार्क लाइन है, बाकी सब लाइन को नहीं देखना, तो आपका जो 28 से 30 में, अदरवाइज अगर उसके आगे जाती है, इस जगह पे जाती है, तो समझिए कि 35 से 40 के बीच में आपका विवाह होगा। ये एक हस्तरेखा पढ़ने का एक बहुत अच्छा साधन है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप और अलग अलग आपके हाथ में अलग अलग रेखाएं होती हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है। कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, कुछ आपकी जो है सक्सेस से रिलेटेड होती हैं। तो वो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी विवाह रेखा कौन सी होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा ये पेंसिल है वो है। धन्यवाद दोस्तों।